कुछ ही महीने पहले, जहां पे पुलिस को जेकेपी पुलिस के जो जवान है उन्हें बड़ी कामयाबी मिली थी। एक ट्रक को पकड़ा गया था जिसमें 10 के करीब मवेशी जो थे वो पकड़े गए थे। और आज सुमन सिंह मनास की अगुवाई में जेके पुलिस के जवानों द्वारा नाका लगाया गया था और आज एक नहीं बल्कि तीन तीन टाटा मोबाइल को पकड़ा गया है जिसमें 5 के करीब जो जानवर हैं वो बताए जा रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हो यह गाड़ी है यो, जिसमें इसका नंबर मैं बताने की कोशिश करूंगा, JK20B0521 ये नंबर है टाटा मोबाइल। तो आज सुबह करीब 5 बजे जेकेपी के जवानों द्वारा नाका लगाया गया था और उन्हें भनक थी कि कोई मवेशी जो है वो लेके जा रहे हैं और पुलिस ने सतर्क रही और उन्होंने उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार इसका जो सिलसिला है जो जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चोरी के जानवर हम कह सकते हैं जो लेके जा रहे हैं, ये एक जानवर हैं मंझ इसको हम बोलते हैं और एक ये है और ये 5 के करीब मंझे हैं। वो मंझे हैं जहाँ पे जेकेबी के जवानों द्वारा आज पकड़ी गई हैं। और ये 3 टाटा मोबाइल हैं जहाँ पे इन्होंने पकड़ी हुई हैं। एक ये टाटा मोबाइल है और दूसरी टाटा मोबाइल मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को, दूसरी टाटा मोबाइल है नंबर JK20A2731 है और ये 3 टाटा मोबाइल हैं जिनको आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और ये तीसरी टाटा मोबाइल है जिसका नंबर JK11F5531 है और ये अभी अभी पकड़ी है। 2 गाड़ियां सुबह पकड़ी थी और तीसरी ये गाड़ी जो है वो अभी अभी पकड़ी है। और इसके बीच दिखाते हैं हम आपको कितने मवेशी हैं। ये देखिए इसमें एक मंझ है और ये एक छोटा सा इसका बच्चा भी है जो अभी पकड़ के लाया हुआ है। अभी ये इन्होंने फट्टे वगैरह भी नहीं खोले हैं क्योंकि 2 गाड़ियां एक से आधा घंटा पहले पकड़ी थी और एक गाड़ी अभी अभी पकड़ी है। लगातार ये जो मवेशी को स्मगलिंग करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है और जेकेपी के जवान लगातार ये पकड़ते भी रहते हैं। लेकिन जो लोग ये कार्य करते हैं लगातार चोरियों की जो मामले जो हैं वो होते हैं। और अभी तक जो एक गाड़ी पहले जो ट्रक पकड़ा था SHO BJ शर्मा की अगुवाई में वो ट्रक पकड़ा था और उसका पर्चा लगा हुआ है, वो ट्रक अभी निकला नहीं है। और जो पहले मवेशी थे वो पुलिस ने लोगों को सुपुर्द कर दिए गए थे लेकिन इसकी अभी कार्रवाई चल रही है। SHO सुमन सिंह मनास ने बताया है कि इसकी कार्रवाई चल रही है कि ये जो जानकारी है कि ये मवेशी कहाँ से आए हैं, किसके थे, चोरी के थे कि ये किसी के मवेशी थे जो इन्होंने लाए हुए हैं। और जल्द ही इस पर जो है अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्द ही मामला जो है वो सामने आएगा। लेकिन SHO सुमन सिंह मनास ने कहा कि हमने इनका पर्चा जो है वो दे दिया है और आने वाले दिनों में ऐसी जो वारदातें हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा।